संघर्ष की राहों में कठिनाइयाँ तो आएंगी, जीवन का सच यही हमें बताएगी। बढ़ाते रहना कदम सब कुछ सहते हुए, एक दिन ये जिंदगी खुशियों से सज जाएगी। हाल के कुछ वर्षों में भारत के युवा पीढ़ी से कई उद्यमी उभर कर आए हैं, आपने देखा होगा। इन युवाओं ने किसी कंपनी में नौकरी करने के बजाय इन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद की कंपनी शुरू की जाए, जिससे कि हम तो खुद भी रोज़गार हासिल करें और हम दूसरों को भी रोज़गार दे पाएं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी कहानी देश की प्रमुख डिलीवरी स्टार्टअप्स Grofers.com के संस्थापक अलविंदर ढिंढसा की है। पंजाब के पटियाला में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े अलविंदर ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद IIT की परीक्षा पास की। सफलतापूर्वक IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करते हुए 2005 में अमेरिका के एक नामी कंपनी URS कॉरपोरेशन में ट्रांसपोर्टेशन एनालिस्ट के तौर पर नौकरी कर ली। कुछ समय तक नौकरी करने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और वहीं से MBA किया और MBA करने के बाद भारत लौट आए। यहाँ उन्होंने Zomato.com के साथ करियर की नई शुरुआत की। कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने सोच लिया था कि एक न एक दिन हम अपना खुद का स्टार्टअप जरूर खड़ा करेंगे और इसकी वे लगातार तलाश कर रहे थे। अमेरिका में नौकरी करते हुए उन्होंने डिलीवरी इंडस्ट्री में एक बड़े गैप को भांपा। उन्होंने देखा कि हाइपर लोकल स्पेस में खरीदार और दुकानदार के बीच होने वाला लेन देन बहुत ही जटिल और अव्यवस्थित है। उन्होंने इस क्षेत्र में एक बड़े बिजनेस को देखा। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके एक मित्र सौरभ कुमार से हुई। उनसे चर्चा करने के बाद उन्होंने एक बिजनेस करने की सोची। दोनों ने मिलकर इस आइडिया के पीछे रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में इन्होंने स्थानीय फार्मेसी कारोबारी से बातचीत करने के दौरान पाया कि वे 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में रोजाना 50 से 60 होम डिलीवरी करते हैं। इन्होंने देखा कि एक सुव्यवस्थित संरचना का अभाव इस सिस्टम में है और इस चीज़ को इन्होंने अवसर के रूप में देखा और इस समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने एक कंपनी की रचना की जिसका नाम था वन नंबर। उन्होंने घर के नज़दीकी इलाके में स्थित फार्मेसी ग्रोसरी और रेस्टोरेंट से कस्टमर के लिए ऑन डिमांड पिकअप और ड्रॉप की सेवा प्रदान करते हुए शुरुआत की। कुछ महीनों तक काम करने के दौरान इन्होंने पाया कि कुल ऑर्डर्स का 90% हिस्सा ग्रोसरी और फार्मेसी से आ रहा था। फिर इन्होंने इन्हीं 2 सेक्टर्स पर फोकस करते हुए अपने मॉडल में बदलाव किया तथा कंपनी को एक नया रूप दिया और एक नया ब्रांड इन्होंने स्थापित किया जिसका नाम पड़ा Grofers। Grofers आज वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर करने की सुविधा प्रदान करती है। इतना ही नहीं, प्रतिदिन के रोज़मर्रा की चीज़ों को महज कुछ ही घंटों में उनके घर पर डिलीवरी करवा देती है। बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली समेत बड़े बड़े शहरों में यह प्रतिदिन 20,000 से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है और इस तरह से यह डिलीवरी क्षेत्र में एक देश की बड़ी कंपनियों में से एक है। आज कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो 24,000 करोड़ से भी अधिक है। हज़ारों लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर अलविंदर ने नई पीढ़ी के युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। इस सफलता को देखते हुए हम यह सीख ले सकते हैं कि किसी के यहाँ रोज़गार करने के बजाय खुद के आइडिया पर काम करते हुए यदि हम आगे बढ़ें तो आने वाले वक्त में हम भी दूसरे को रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकेंगे। मेरा अगला वीडियो उस बिजनेसमैन के बारे में है जिसकी जेब में महज कुछ 100 रुपये होने के बावजूद उसने 650 करोड़ का अपना कारोबार खड़ा कर दिया। कैसे, ये जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे अगले वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच।